गाइस, मैं हूं मुदसर आर्यन एंड आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू J&K स्टेट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ J&K। द स्टेट ऑफ J&K इज़ आल्सो नोन एज पैराडाइज ऑन अर्थ और स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। हमारे स्टेट J&K को पैराडाइज ऑन अर्थ या स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया भी कहा जाता है। स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 26 अक्टूबर 1947 में, जिस वक्त साइन हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ। हमारे स्टेट का एरिया है 222236 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी रैंक है इंडिया में 5th। स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू और स्टेट में है 2 कैपिटल्स, श्रीनगर एंड जम्मू। श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल ऑफ आवर स्टेट एंड जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ आवर स्टेट। द लैटिट्यूड ऑफ द स्टेट इज़ 32° 15' नॉर्थ टू 37° 05' नॉर्थ एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ द स्टेट इज़ 72° 35' ईस्ट टू 83° 20' ईस्ट। हमारा स्टेट शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज़, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। याद रखने के लिए शॉर्ट कैप, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है हमारे स्टेट की नेबरिंग कंट्रीज़। और हमारा स्टेट शेयर करता है नेशनल बाउंड्रीज विथ 2 स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब है हमारे स्टेट की नेबरिंग स्टेट्स। आज हमारे स्टेट का फॉरेस्ट कवर है 23241 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 10.46% जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट एज़ पर 2017 स्टैटिस्टिक्स। हमारे स्टेट में 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, 6 म्यूनसिपल काउंसिल्स और 21 म्यूनसिपल बोर्ड्स। हमारे स्टेट में इस वक्त है 3 एयरपोर्ट्स, जम्मू, श्रीनगर एंड लेह। जम्मू, श्रीनगर एंड लेह। डांसेस जो हमारे स्टेट में फेमस है वो है कुद, रफ एंड बच्चा नगमा। इंपॉर्टेंट लेक्स इन द स्टेट आर वालूर लेक, डल लेक, मानसबल एंड गंगाबल लेक। मानसबल लेक इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ आवर स्टेट एंड वालूर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ आवर स्टेट। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे स्टेट का वालूर लेक। फेमस और इम्पॉर्टेंट रिवर्स और इंडस, जहलिम, रवि, तवी एंड चिनाब। मेन इंडस्ट्रीज है स्टेट की टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड सीरीकल्चर। अब बात करते हैं स्टेट सिंबल्स की। यह है हमारे स्टेट का फ्लैग। इट हैज़ 3 स्ट्रिप्स विच रिप्रेजेंट द 3 डिविजन्स ऑफ आवर स्टेट, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है हमारे स्टेट की 3 डिविजन्स एंड दिस फ्लो साइन इज़ द साइन फॉर, इट इज़ द सिंबल ऑफ लेबर। यह है हमारे स्टेट का स्टेट एम्बलम और इसमें जो ये स्ट्रिप्स हैं दीज रिप्रेजेंट द कल्चरल रीजन्स ऑफ आवर स्टेट, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। द लोटस सिंबल जो है यह है सिंबल फॉर प्यूरिटी एंड नॉलेज। द प्लोव्स एंड 2 ईयर्स ऑफ कॉर्नस रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। हमारे स्टेट का स्टेट एनिमल है हांगुल। स्टेट बर्ड इज़ ब्लैक नेकड क्रेन। स्टेट फ्लावर है लोटस और चिनार है हमारे स्टेट का स्टेट ट्री। स्टेट सॉन्ग वलो बागबानो एंड स्टेट गेम इज़ पोलो। लोटस इज़ आवर स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री इज़ चिनार, स्टेट बर्ड इज़ ब्लैक नेकड क्रेन एंड स्टेट एनिमल इज़ हांगुल। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की, जो 2011 में सेंसस हुई थी। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे स्टेट की पॉपुलेशन है आज 1.25 करोड़ एंड इट इज़ रैंक इज़ 19th इन इंडिया। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ 1.04%। इट मीन्स इट कंट्रीब्यूट्स ऑनली 1.04% टू द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। अर्बन पॉपुलेशन है 27.21% एंड रूरल पॉपुलेशन है हमारे स्टेट की 72.79%। पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारे स्टेट की 56 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। अगर हम पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। और हमारे स्टेट में पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं एट लीस्ट 56%। और पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा गांधरबल में है 1148 और ये सबसे कम है लेह में 3। सेक्स रेशो ऑफ आवर स्टेट इज 883। सेक्स रेशो का मतलब होता है रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन ए पॉपुलेशन। अगर हम एक पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स का रेशो निकालते हैं उसे हम बोलते हैं
सेक्स रेशो, और हमारे स्टेट का सेक्स रेशो है 883, और ये सबसे ज़्यादा है कुलगाम एंड शुपियन में 951, और सबसे कम है लेह में 690। द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है 23.64%, 23.64% इज़ द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन J&K स्टेट। और हाईएस्ट पॉपुलेट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू, और सबसे कम पॉपुलेशन है हमारे यहाँ करगिल में। अब बात करते हैं लिटरेसी की। लिटरेसी का मतलब होता है एबिलिटी टू रीड एंड राइट। हमारे स्टेट की टोटल लिटरेसी है 68.74%, जिसमें मेल लिटरेसी है 78.26% और फीमेल लिटरेसी बहुत कम है 58.01%। जम्मू में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है 83.98% और रामबन में सबसे कम 56.90%। हमारे स्टेट की टोटल लिटरेसी है 68.74% और सबसे ज़्यादा जो लिटरेट है डिस्ट्रिक्ट वो है जम्मू 83.98%। हमारे स्टेट को डिवाइड किया गया है 3 डिविजन्स में, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। और आज हमारे स्टेट की सीएम है महबूबा मुफ्ती, गवर्नर हैं NN वोहरा, और स्टेट को डिवाइड किया गया है इनटू 22 डिस्ट्रिक्ट्स। लोकसभा सीट से हमारी 6 और राज्यसभा सीट से 4। स्टेट का लेजिस्लेटर है बाइकैमरल। बाइकैमरल मींस इट हैज़ 2 हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज 87 और टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर 89 ड्यू टू द एडिशन ऑफ 2 नॉमिनेट मेंबर्स। हमारे स्टेट की जो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो है 87 और मेंबर्स जो है वो है 89। स्ट्रेंथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की है वो है 36 और हमारे स्टेट का हाई कोर्ट है J&K हाई कोर्ट, जहाँ पे आज करंट चीफ जस्टिस हैं बदर दुरेज अहमद इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट। अब बात करते हैं सॉब्रिकेट और निकनेम्स की। श्रीनगर इज नोन एज वेनिस ऑफ ईस्ट और न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। सोनमर्ग को कहते हैं मीडो ऑफ गोल्ड एंड गुलमर्ग इज नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। गुलमर्ग इज नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स एंड सोनमर्ग इज नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड। कश्मीर को कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया एंड लद्दाख इज नोन एज रेड लैंड और मून लैंड। लैक समोरी को कहते हैं माउंटेन लैक एंड एबोड ऑफ फेरीज बोलते हैं परी महल को। पहलगाम को कहते हैं विलेज ऑफ शफर्ड्स। पहलगाम इज नोन एज विलेज ऑफ शफर्ड्स। राइस बाउल ऑफ कश्मीर कुलगाम को बोलते हैं एंड सोपोर इज नोन एज छोटा लंदन और होम ऑफ एप्पल। जम्मू को कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स। जम्मू का निकनेम है सिटी ऑफ टेम्पल्स। और लेह को कहा जाता है डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर। डोंट गेट कन्फ्यूज, कुलगाम को बोलते हैं राइस बाउल ऑफ कश्मीर एंड लेह इज नोन एज डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर। शिवालिक्स को कहा जाता है जम्मू हिल्स। भद्रवाह को कहा जाता है छोटा कश्मीर एंड बड़गाम इज नोन एज लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। बड़गाम को कहा जाता है लैंड ऑफ स्प्रिंग्स वाइल भद्रवाह इज नोन एज छोटा कश्मीर। शिवालिक्स को कहा जाता है जम्मू हिल्स और कुलगाम को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ कश्मीर। अब बात करते हैं फर्स्ट इन J&K। हमारे यहाँ फर्स्ट गवर्नर थे डॉक्टर करण सिंह, फर्स्ट PM वाज मेहर चंद महाजन, फर्स्ट CM चीफ मिनिस्टर थे गुलाम अहमद सादिक, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जो कि हैं महबूबा मुफ्ती, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने टॉप किया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वो हैं हमारे शाह फैसल, फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर डॉक्टर रुवैदा सलाम, फर्स्ट चीफ जस्टिस थे कन्वर सैन और फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जी आर सूफी साहब थे हमारे फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने खेला इंडियन नेशनल टीम में वो हैं परवेज़ रसूल एंड फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड वाज रहमान राही साहब जो हैं उन्होंने लिया था कश्मीर की तरफ से पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया जाता है पोएट्रिक कलेक्शन के लिए। हमारे स्टेट के पहले PM थे प्राइम मिनिस्टर थे मेहर चंद महाजन और फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर है डॉक्टर रुवैदा सलाम। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट की। हमारे स्टेट में लॉन्गेस्ट टनल है चिनानी नशरी टनल, जिसकी लेंथ है 9.28 किलोमीटर एंड ये ओपन की गई 2 अप्रैल 2017 में।
लॉन्गेस्ट रिवर इज इंडस और लॉन्गेस्ट लेक है हमारे स्टेट का पेंगोंग लेक, डीपेस्ट लेक है मानसबल और बहु फोर्ट है हमारे स्टेट का ओल्डेस्ट फोर्ट, कोल्डेस्ट प्लेस है द्रास और ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है मोरा, मोरा इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन J&K एंड इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1905, कोल्डेस्ट प्लेस इज द्रास। अब बात करते हैं हाइस्ट की, हमारे स्टेट का हाइस्ट टाउन है लेह और हाइस्ट एयरपोर्ट भी लेह में ही है, हाइस्ट पीक इज नंगा पर्वत, हाइस्ट लेक है पेंगोंग एंड हाइस्ट पास इज खार दुंगला पास और सबसे ज़्यादा बारिश होती है रामनगर में, रामनगर में होती है हाइस्ट रेनफॉल और हाइस्ट पीक है हमारे स्टेट की नंगा पर्वत। अब बात करते हैं बिगेस्ट इन J&K, हमारे स्टेट का बिगेस्ट टाउन है अनंतनाग, श्रीनगर इज़ द लार्जेस्ट सिटी और बिगेस्ट सिटी, बिगेस्ट विलेज है हमारे स्टेट का अरनिया, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज़ लेह, हमारे स्टेट का बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है लेह एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वालुर एंड लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक और लार्जेस्ट और बिगेस्ट सैलाइन वाटर लेक इज़ पेंगोंग, पेंगोंग लेक इज़ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक ऑफ आवर स्टेट, बिगेस्ट मॉस्क इज जामिया मस्जिद एटी नगर एंड बिगेस्ट टेम्पल इज़ रघुनाथ मंदिर जो कि जम्मू में है, बिगेस्ट गोल्फ कोर्स है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स और बिगेस्ट ग्लेशियर है हमारे स्टेट का कोलाहाई जो कि ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहा है, बिगेस्ट कास्केड है अहरबल में। अब बात करते हैं नेशनल पार्क्स की, हमारे स्टेट में 5 नेशनल पार्क्स हैं, दाछीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड काजीनाग नेशनल पार्क। दाछीगाम नेशनल पार्क है श्रीनगर एंड पुलवामा में और इसकी एरिया है 141 स्क्वायर किलोमीटर, सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर में, लेह में है हेमिस नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ डोडा में है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, बारामूला में है हमारी काजीनाग नेशनल पार्क जिसका एरिया है 89 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, हमारे स्टेट में आज एटलीस्ट 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसमें बारामूला में हैं गुलमर्ग, लिम्बर एंड लचीपुरा, गुलमर्ग, लिम्बर एंड लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बारामूला, अनंतनाग में है ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शुपियन में हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अनंतनाग में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजपैरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन लेह देर आर टू सेंचुरीज काराकोरम एंड छेंगथैंग, दीज आर द टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन लेह, जम्मू में रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जम्मू में, कठुआ में है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधमपुर सांबा एंड जम्मू में है सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधरबल में है बालथल सेंचुरी एंड रियासी में है त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हमारी गांधरबल में बालथल सेंचुरी है इसका एरिया है सिर्फ 2.3 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आज हमारे स्टेट का GDP है 20 बिलियन US और 1.32 लाख करोड़ एज पर 2016 and 2017 एस्टिमेट्स, GDP रैंक है हमारे स्टेट की 21st एंड GDP ग्रोथ है 14% एज पर 2016 and 2017 एस्टिमेट्स, GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सर्विस, नेक्स्ट इंडस्ट्री एंड देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स ओनली 22%, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 25% एंड सर्विसेज कंट्रीब्यूट 53% इन GDP। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन की, हमारे स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग जिसमें इन्वॉल्व हैं वो हैं एग्रीकल्चर 64%, इंडस्ट्री में 11% एंड सर्विसेज में 25% एज पर 2015 स्टैटिस्टिक्स। नाउ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम के लिए, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, हमारे स्टेट का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वालूर लेक, ओरिजिन एंड पॉपुलर लोकल नेम ऑफ जहलिम, जहलिम का ओरिजिन और इसका पॉपुलर लोकल नेम क्या है, जहलिम का ओरिजिन होता है वेरीनाग से, वेरीनाग में इसका सोर्स एंड इट्स पॉपुलर नेम इज़ विटास्टा, विच इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इंडिया में है पेंगोंग लेक जो कि लद्दाख में है, पेंगोंग लेक इज़ द लार्जेस्ट
salt water lake in India, which is currently the biggest power generation project of J&K. Biggest power generation project of J&K is Selal Hydroelectric Project. Where is Kishan Ganga Power Project located? Kishan Ganga Power Project located in Bandipora mein, and its capacity is 330 megawatt. What is another name for Ravi River? Ravi River ka dusra naam hai Iravati. Or which lake is located and routed to Amarnath Cave? Which lake is located and route to Amarnath Cave? Wo hai Shishnag Lake. Thank you friends. Subscribe the channel to receive notifications on time. Aur aaj lekar aaya hoon ek quote, education is the most powerful weapon we can use to change the world. Thank you guys.